जो कांजुर मार्ग की जगह है, जो प्लॉट है, जो हम मेट्रो लाइन 3, 6, 4, 14 इसको देने वाले थे ताकि वहाँ एक इंटीग्रेटेड कार डेपो बने। यही अभी जो लिटिगेशन में थी, इतने दिनों से केंद्र सरकार का लिटिगेशन था, कोई प्राइवेट बिल्डर का लिटिगेशन था, सारे लिटिगेशन अभी खत्म हो चुके हैं, जैसे कि कोई जादू हुई। और वहाँ उस 44 हेक्टेयर के प्लॉट में लगभग 15 हेक्टेयर मेट्रो लाइन 6 की कार डिपो के लिए दिया जा रहा है। तो फिर क्या ये लिटिगेशन कैसे खत्म हुआ, ये जमीन किसकी है, लिटिगेशन क्यों हुआ था, कि लिटिगेशन के पीछे कोई महाराष्ट्र भाजपा का आदमी था, क्यों किया गया है, क्यों इतना महाराष्ट्र को सताया गया। और सबसे अहम चीज यही रहती है कि ये 15 हेक्टेयर अगर मेट्रो लाइन 6 के लिए दिए जा रहे हैं, तो फिर जो अन्य बची हुई लैंड है, जो जमीन है, वो किसको दी जाएगी? कोई बिल्डर मित्र है इनके, जो कॉन्ट्रैक्टर मित्र है इनके, इनके हिसाब से जो सरकार चलती है उनको दी जाएगी, या इस पे कोई पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट आने वाला? छत्रपतींचा विचार म्हणजे